नमस्कार सन नाइस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्वाति सिंह। आईपीएल और खास करके पंजाब किंग्स के चाहने वालों के लिए बुरी खबर आई है। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2021 के प्लेऑफ के लिए जोर लगा रही पंजाब किंग्स को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पंजाब किंग्स के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने आईपीएल छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, क्रिस गेल आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, विस्फोटक कैरेबियाई बल्लेबाज क्रिस गेल ने पंजाब किंग्स को बीच मझधार में ही छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि इसका कारण क्या है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। बस आप ये वीडियो आखिरी तक देखिए। पंजाब किंग्स को बड़ा झटका लगा है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आज होने वाले मुकाबले से पहले ही टीम के स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल आईपीएल 2021 से हट गए हैं। गेल ने इसके पीछे बायो बबल से होने वाली थकान को कारण बताया है। गेल इस साल जून से ही बायो बबल में थे। जी हाँ, गेल ने बायो बबल के चलते आईपीएल से हटने का फैसला किया है। गौर करने वाली बात यह है कि गेल कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने के बाद सीधे आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए यूएई आ गए थे। उन्हें कोई रेस्ट नहीं मिल पाया था और अब उन्होंने आईपीएल के सत्र को ही अलविदा बोल दिया है। गेल ने बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि T20 विश्व कप से पहले मैं खुद को मानसिक रूप से तरोताजा करना चाहता हूं। पिछले कुछ महीनों में मैं वेस्टइंडीज, कैरेबियन प्रीमियर लीग और फिर आईपीएल के बायो बबल का हिस्सा रहा हूं और मैं मानसिक रूप से खुद को तरोताजा करना चाहता हूं। मैं T20 विश्व कप में वेस्टइंडीज की मदद करने पर फिर से ध्यान देना चाहता हूं और दुबई में एक ब्रेक लेना चाहता हूं। मुझे समय देने के लिए पंजाब किंग्स को धन्यवाद। मेरी इच्छाएं और उम्मीदें हमेशा टीम के साथ है। आगे आने वाले मुकाबलों के लिए टीम को शुभकामनाएं। अब जब आईपीएल अपने अंतिम पड़ाव पर है, तब पंजाब किंग्स के इस अहम और विस्फोटक बल्लेबाज का टीम से हटना एक खतरा साबित हो सकता है। फिलहाल आज के मुकाबले में पंजाब किंग्स केकेआर के सामने बिना क्रिस गेल के उतरेगी। अब देखना होगा कि गेल के जाने से पंजाब किंग्स के परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आईपीएल के नए अपडेट्स के साथ। तब तक रखिए अपना ध्यान। शुक्रिया।